हाय दोस्तों, कैसे हैं? ये एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस बार निफ्टी के लिए लाया हूँ। निफ्टी में बहुत गिरावट आई है। आप सोच रहे होंगे ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है। एक्चुअली हमारे कंपनी में ऑर्गेनाइज किया हुआ हेल्थ चेकअप है, जिसमें हमारी टीम काम कर रही है। तो मैं ये दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा था। चूँकि ये वीडियो आ गए थे कॉन्सिक्वेंसेस में, तो आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक चैलेंज के साथ एक निफ्टी बाय करने के लिए बोलता हूँ आपको। कल मार्केट में गिरावट ही रहेगी, तो आपको ये 11,000 का जो ये कॉल है ना, वो आपको आराम से 10 रुपये के अराउंड में मिल जाएगा। आप देखेंगे तो ये 13 रुपये का आस्क प्राइस में मांग रहा है और 13:40 की क्लोजिंग भी हुई है, और ये 11,000 का कॉल है। तो 10 रुपये से 13 रुपये के बीच में आपको 5 लॉट लेने हैं। तो अगर आपने इसकी जो लॉट साइज है वो 75 है, तो अगर आपने 75 × 10 रुपीज़ भी पकड़े और 5 लॉट लिया, तो आपको 3,750 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपको ये 5 लॉट लेना है और एक 5 लॉट लेना है आपको 10 800 का। 10 800 का देखेंगे कॉल, तो ये आपको, ये भी लॉट साइज इसकी 75 है और ये 28 रुपये मांग रहा है, तो आपको ये 22 रुपये के आसपास आपको उस दिन मंडे को मिल जाएगा। तो अगर मैं 75 × 22 × 5 करूँ तो 8,250 होगा। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो हो रहा है, ये दोनों मिला के 10 1100 का और 11,000 का कॉल और 10,800 का कॉल, ये दोनों मिला के 12,000 का इन्वेस्टमेंट करना है आपको, सिंपल से। और ये एजुकेशनल पर्पज़ से है, और ये आपको पेपर ट्रेडिंग करके देखना है। और अगर आपको बाय करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेके ही बाय करें। तो हम बात कर रहे थे 10 800 का। अभी आप देखेंगे हर कोई निफ्टी बोल रहा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, जाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट ख़राब किया उसने और 10,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा भी है। तो निफ्टी नीचे जा सकता है और जाएगा भी। आपको उसे जाने के डर से नहीं घबराना है आपको कि कितना नीचे जाएगा। तोड़ने दीजिए इसे, जितना नीचे जाना अच्छे से आराम से जाने दीजिए, क्योंकि मुझे तो वो जानना है कि ऊपर कितना जाएगा। तो मैं अगर आज जब 6 अक्टूबर है और मैं आपको इसकी क्लोजिंग बता दूँ तो आपको अच्छा लगेगा ना। और क्लोजिंग का कोई बेस भी होगा, ऐसे में कोई बेस नहीं दे रहा हूँ। तो इसकी जो क्लोजिंग होने वाली है, उसकी डेड श्योर क्लोजिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये किस रेंज में क्लोजिंग करेगा? ये क्लोजिंग करेगा 10,884 से 11,026, इसी रेंज में ये क्लोज करेगा। ये डाटा अपने एवरेज स्टैटिकल चार्ट से कैलकुलेट किया हुआ है। मैं आपको एक और डाटा दिखाना चाहता हूँ जो इस मेरे डाटा चार्ट को सपोर्ट करता है कि ये क्यों इस रेंज में आएगा। ये कोई मैं ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ कि ये आएगा, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ये आप देखिए, मैं आपके सामने एक स्टैटिकल चार्ट लेके आता हूँ। तो ये स्टैटिकल चार्ट मैंने अक्टूबर महीने के हर साल के अक्टूबर 2004 से लेके अभी तक बनाया हूँ। उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी क्लोजिंग हो रही है, अगर आप किसी भी साल की क्लोजिंग देखें, अक्टूबर 17 की देखिए, तो हाई 10,384 बनाया और क्लोज किस में हुआ 10,335, 40-50 पॉइंट का। उसी तरह आप दूसरे साल का अक्टूबर 16 का देखें, ये हाई बनाया 8,806 और क्लोज दिया 8,625, 200 पॉइंट के आसपास के डाउन है। फिर आप देखेंगे कि उसी ईयर, तो आप किसी भी तरह देखें तो ये हाई से लगभग, आप देखें जो हाई है, हाई से अराउंड ये जो क्लोजिंग हुई है इसकी 200 से 250 पॉइंट के आसपास नियर हुई है। एक्सेप्ट मैं जिसको रेड किया हूँ वो है 2009। यहाँ पे एक गलत क्लोजिंग है जिसको आप कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि एब नॉर्मल सिचुएशन को कभी भी कहीं पे काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने भी काउंट नहीं किया है। और आप देखेंगे तो मैंने आपको यही वीडियो में आपको यहाँ पे अपना रेंज लिख के रखा है, 10,884 से 826। ये मेरा चैलेंज है, और 200, 400, 1000 नहीं, इस बार 5000% के साथ चैलेंज है। ये रेंज आएगा ही आएगा, और अक्टूबर की क्लोजिंग एग्जैक्ट आपको मिलने वाली है 11,001, 11,005 के आसपास। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताता हूँ, फिर भी इस रेंज को आपको देता हूँ कि यहाँ रेंज मिलें। तो समझिए, अगर आप इस रेंज पे आता है और अगर आप 11,000 या 10,000 के ही आप खाली अगर लेना चाहते हैं, 5 ही कॉल लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,750 का इन्वेस्टमेंट करें, आपको 5 लॉट लेते हैं, और अगर ये वापस पहुंच जाता है 11,000 के पास, तो आप इसकी वैल्यू अराउंड मानेंगे तो आपको आराम से इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी 200-300 रुपये, 200 के अराउंड भी मान लीजिए, 100 के अराउंड में। तो समझिए, आपको पर लॉट जो गेन होने वाला है, अगर आप 10 रुपये में लेते हैं 90 का गेन होने वाला है, 90 से 80 रुपया,
मैं 50 रुपये का भी गेन मान लेता हूँ। जब आपको 50 का गेन है तो आप कोशिश करके पार्सल बुकिंग कीजिए और अपने 3 लॉट को क्लियर कर दीजिए। अब हम वेट मत कीजिए कि लास्ट मोमेंट तक हमको करना है, पहले आपके अपने प्रिंसिपल जो भी इन्वेस्ट 3,750, आपके जैसे प्रॉफिट दिखने लगे आपको 3,750 का एक लॉट पे, तो आपको धीरे धीरे करके अपने प्रिंसिपल को विदड्रॉ कर लेना है। यही प्रिंसिपल है जहाँ पे खेलने का, बाकी लॉट को फ्री छोड़ दें। तो अगर आपको 50 रुपये का है, आपको गेन मिलता है और एक लॉट आप लेते हैं, एक लॉट आप एग्जिट करते हैं, तो आपको 3,750 रुपये निकल जाते हैं। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है, जैसे आपको 50 रुपये का गेन आए तो आपको यहाँ से एक लॉट को एग्जिट कर देना है या 2 लॉट एग्जिट कर देना है। तो 2 लॉट भी कर देंगे तो आप 3,750 अपने पैसे के साथ अपने प्रॉफिट को भी निकाल लिया। उसके बाद आप 2 लॉट को वेट कर सकते हैं और आराम से एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं। एक्सपायरी तक वो 100 जाए 200 जाए, आपको आराम से 10,000-20,000 रुपये का प्रॉफिट दिलाएगा। ये कोई मजा मस्ती के लिए नहीं किया मैंने, ये आपको श्योरिटी के लिए किया है। आप इसे एनालिसिस करें, आप देखें और ये होगा, श्योर होगा, 200% होगा, विदाउट फेल होगा। धन्यवाद।